अनुगुल बंतुला थाना अंचल हत्याकांड टंका बापा को ठेंगारे पिटी पिटी मारिदेला पुओ तलगड़ गांव सामना को आसी नृशंस पुओर यह बर्बर कांड मृतक हेले विप्रबर भू हत्याकांड पर फेरार हो जाए अभियुक्त बलराम दीर्घ दिन हो टंका को केन्द्र कर विप्रबर और बलराम गंडगोल चली बापा को हत्या कर पुओ बंतुला थाना पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ कर टंका बापा को ठेंगारे पिटी पिटी मारिदेला पुओ तलगड़ गांव सामना को आसी नृशंस पुओर यह बर्बर कांड मृतक हेले विप्रबर भू हत्याकांड पर फेरार हो जाए अभियुक्त बलराम दीर्घ दिन हेब टंका को केन्द्र कर विप्रबर और बलराम गंडगोल चली तेब रागरे निज बापा को हत्या कर पुओ तेज घटनास्थल पुलिस पहुंची तदंत आरंभ कर अभियुक्त पुओ कुआडे फेरार अच्छी तबे अनुगुल बंतला थाना अंचल एक घटना स्थानीय अंचल चांचल्य खेलाई जे नृशंस पुओ जी कि बापार सेवा करने कथा बा बापार जीवन को सुरक्षा जोगाइबा कथा से पुओ ही केमिति बापार जीवन नहीं जाइछि ता पुणी टंका पाई आम प्रतिनिधि प्रकाश प्रधान जोड़ प्रकाश जो अभावनीय खबर सामना को आसुची जे नृशंस पुओ टंका पाई तार बापार जीवन नहीं तो अभियुक्त पुओर टेर पाइला कि पुलिस देखो जदि देखा घटना जिते बार घटी गाँ लोक मैंने पुलिस को बंतला पुलिस को खबर देते पुलिस अधिकारी जी रही थाना आई से घटनास्थल को जाते जो मृत शरीर रही मृत शरीर को व्यवच्छेद करा किंतु वर्तमान सुधा तांको जो मद्यप पुओ रही बलराम भोई से वर्तमान सुधा फेरार रही पुलिस तदंत करीन करु वर्तमान सुधा तार टेर पाई तेरे जदि संपूर्ण घटना को देखा ये जो बाप पुओं मध्य उभय आगर कली झगड़ा लग रहा जहां आम पाखे किसी सूचना रही जो प्रधानमंत्री आवास योजना आसी से जो टा आसी से टंका को पुओ बलराम भई जिते बापा को मागिता जिते बापा दे किसी दिन हम तर झगड़ा लगी जिते झगड़ा एक बड़ रूप नेला से समय पुओ एक ठेंगारे बापा मुंड को मारी जहाफल कि घटनास्थल ही बापा मृत्यु होता तेरे घटना को लेकिन जो स्थानीय अंचल गोटे शोकर छाय खेली जाती कारण जन निजे जन्म कला पुओ बापा को पिटी पिटी हत्या कर घटना को लेकिन लोक मैंने एक प्रकार प्रतिक्रिया रखुं एमती तो झगड़ा सब वाले हुए किंतु जीवन में मारिदे घटना निश्चित भाव में ये गोटे दुखदायक घटना किंतु वर्तमान जो बंतला आईआईसी जी रही सहित आम आलोचना करूँ वर्तमान तदंत चली पुलिस अधिकारी सहित जोजोग करते तेज हत्याकारी संपर्क अधिक तथ्य जानवाई पुलिस किंतु हत्याकारी को खोजुच्छी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश।